हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवा फ्रॉम शिवास किचन। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की जो डिश है वो है गाजर का हलवा। विंटर सीजन में ये तकरीबन सबका फेवरेट होता है, चाहे छोटे हो या बड़े। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ इस तरीके से है। मैंने 1.5 किलो गाजर ली है और 250 ग्राम दूध लिया है। दूध को मैंने अच्छी तरीके से पका के गाढ़ा कर लिया है। उसके अलावा मुझे इलायची का पाउडर चाहिए, 4 साबुत इलायची। नारियल को मैंने कद्दूकस किया हुआ है। कुछ मिक्स नट्स हैं जो मैंने कट किए हुए हैं। और मैंने 200 ग्राम देसी घी लिया है। उसके अलावा मैंने खोया लिया है जो मैंने घर पे बनाया है। अगर आपको खोया बनाने की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। और उसके अलावा मैंने 300 ग्राम शुगर ली है। 300 ग्राम शुगर 1.5 किलो गाजर के लिए एकदम परफेक्ट है। और केवड़ा, नारियल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और आप चाहे तो इसे अवॉइड करें। फ्रेंड्स, कद्दूकस हो चुकी है गाजर। देखिए, मैंने ये हड्डियाँ इस तरीके से निकाल दी हैं। करीब 250 ग्राम है, तो अब मेरी गाजर 1.25 केजी बची है। 1.25 किलो गाजर के अंदर हम 250 ग्राम गाढ़ा दूध डालेंगे। एक पॉट के अंदर पूरी गाजर डालने के बाद, जो मैंने ये 250 ग्राम मिल्क दिखाया है, मैं इसको भी इसके अंदर डाल दूँ। और उसके अलावा ये मैंने शुगर ली है, ये 300 ग्राम शुगर है। ये तीनों इंग्रेडिएंट मैं एक साथ मिक्स करके बॉयल होने के लिए रख दूंगी, और ये बहुत अच्छे तरीके से बॉयल होगी। उसी के साथ ये धीरे धीरे पकेगी भी। हमें इसको अभी 1 to 2 मिनट गैस के ऊपर फुल पकाना है, ताकि ये जो ये मिल्क है ये अच्छी तरीके से हॉट हो जाए। ये देखिए, अब इसमें भाप निकलनी शुरू हो गई 30 सेकेंड्स के अंदर। तो 2 मिनट के अंदर ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, और फिर जब तक गाजर गले ना, तब तक हमें इसको लो फ्लेम पे पकाते रहना है। जब हमें ऐसा लगेगा कि फ्लेम बहुत लो हो गई है, असर नहीं हो रहा है, तो हम उसे हाई फ्लेम भी कर सकते हैं। तो अब ढक्कन बंद करके 2 मिनट का इंतज़ार, 2 मिनट के बाद गैस को लो कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए, ये करीब 20 मिनट्स to 30 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं, और अब जैसे दिख रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा वाटर था, वाटर सूखने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फुल फ्लेम करके वाटर सुखाएंगे, और जो मैंने आपको नट्स और नारियल दिखाई थी वो मैं अब ऐड कर दूंगी। मैंने नट्स जो है वो फ्राई करके कट किया है। मैं हमेशा इसी तरीके से डालती हूँ, तो उसका मज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि नारियल आप पीसेज में कट करें, तो आप कट कर सकते हैं। मैंने कद्दूकस किया। अब जब मैं देखूंगी और मुझे पूरी तरीके से ये लगेगा कि इसको दबाने से पानी नहीं निकलना है, तो उसका मतलब गाजर का पानी ख़त्म हो चुका है। मुझे गाजर उतनी ही पकानी है जब गाजर का हलवा बनाना है। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा करें कि गाजर में जो है पानी बहुत ज़्यादा ना रहे, या पूरी तरीके से उसको सुखा दीजिए। और उसके बाद मैं इसके अंदर खोया डालूंगी। तो बस अब हमें इसको इसी तरीके से भूनते रहना है। और मैंने 1 पिंच इसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड किया है, वो भी खुशबू के लिए। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आप जब भी स्वीट बनाइए तो इलायची का पाउडर ज़रूर ऐड करिए। फ्रेंड्स, देखिए, अब मैं इसके अंदर घी भी ऐड कर दूंगी। होता यह है कि कभी कभी लोग बघारते भी हैं, आप चाहें तो इसको बघार के भी डाल सकते हैं, कि इसके अंदर आप इलायची का बघार गर्म करके इलायची डाल के इसके अंदर डाल दें, लेकिन ये भी वैसे ही मज़ा देता है। तो मैंने घी को गाजर में शामिल कर दिया, और अब ये इसी के बेस पे पकेगा, तो बहुत ही क्रीमी मज़ा आएगा। तो घी हमेशा आप इतनी ही स्टेज पे डालिए, और इसको अच्छी तरीके से भूनिए। फ्रेंड्स, हम इसके अंदर हाफ सोया अभी डालेंगे, और हाफ नाक के लिए रखेंगे। जैसे देख रहा है, घी हल्का हल्का सा पैन के बेस में आ रहा है। तो बस अब ये मुकम्मल होने वाला है। अब मैं इसके अंदर फिर से थोड़ा सा खोया डालूंगी, फिर डाल के मैं इसको हल्का सा भूनूंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करके डाला जाता है कि जो इसका फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है। एक साथ डालने से खोया पूरी तरीके से पिघल जाता है या मैश हो जाता है, दिखता नहीं है। तो धीरे धीरे करके डालने से मज़ा जो होता है वो दोबारा होता है। तो लास्ट में भी हम 1 पिंच इलायची का पाउडर डालेंगे।
चाहे तो आप वो जो मैंने इलायची दिखाई थी वो पूरी डाल सकते हैं, चाहे तो आप 1 पिंच इलायची का पाउडर डालें, तो मैं प्रीफर इलायची का पाउडर करती हूँ क्योंकि बच्चों के मुंह में जब इलायची आती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और सबसे लास्ट में इसके अंदर मैं 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालूंगी, और केवड़ा वाटर डालने के बाद फ्रेंड्स देखिए अभी गाजर ने कलर ही चेंज कर लिया है, और जितना मैंने घी डाला था वो दिख रहा है कि गाजर उसे छोड़ चुकी है, पैन में आ चुका है। तो बस ये हो चुका है कंप्लीट। अब इंतजार है इस बात का कि करते हैं इसे डिश आउट और खा के इसका उठाते हैं लुत्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।